साल की स्टूडेंट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी दिशा रवि की गिरफ्तारी के विरोध में खुलकर सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने दिशा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया है। पूर्व जज ने कहा, जिस कारण दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है और जिस टूलकिट को वजह बनाया जा रहा है, दरअसल उस टूलकिट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे देशद्रोह साबित होता है। उन्होंने आगे कहा कि इस देश के हर नागरिक को सरकार का विरोध करने का पूरा अधिकार है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि दिशा की गिरफ्तारी बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। देश के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो सरकार का शांतिपूर्वक विरोध करे। टूलकिट पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि हिंसा के संबंध में जिस टूलकिट का जिक्र किया जा रहा है उसमें कुछ भी लोगों को उकसाने वाला नहीं है। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इस दस्तावेज में क्या देशद्रोही है। कोई प्रदर्शनकारियों के साथ सहमत हो सकता है या नहीं, ये एक अलग मामला है, लेकिन ये कहना कि ये देशद्रोह है, ये कानूनी रूप से समझ के परे है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि देशद्रोही के कानून का आज पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कानून ब्रिटिश साम्राज्य में अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए लाया गया था, लेकिन आज इसी कानून का इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य की तर्ज पर किया जाने लगा है, जो देश और उसके उज्जवल भविष्य के लिए हानिकारक है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और एक साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।